फिर से बारिश स्टार्ट हो चुका है और बारिश में देख रहे हैं भोले कांवड़ लेके जा रहे हैं। भोलों की संख्या में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये तो आशीर्वाद है भोले का। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 71 लीटर भोले अभी लेके जाएंगे। 71 लीटर जल है, 165 किलोमीटर इनकी डिस्टेंस है। ये हरियाणा के शेर है, आप देख रहे हैं ये आरती कर रहे हैं। अब इनकी चलने वाली यहाँ से 71 लीटर जल लेके चलेंगे भोले। आप देख रहे हैं काफी तेज बारिश हो रही है और भोलों की संख्या कितनी ज्यादा है। लगातार भोले अपनी गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं बिना रुके और कहीं ना कहीं ये भोले का आशीर्वाद है कि जल यहाँ पे लेके जा रहे हैं। गर्मी नहीं है क्योंकि गर्मी होती तो थोड़ी परेशानी होती भोलों को। अब इनकी यात्रा मंगलमय काफी अच्छा होने वाला है। आप देख रहे हैं जल की धारा बढ़ चुकी है, काफी तेज हो चुकी है जल। आप देख रहे हैं ऐसे जल को आगे से कंट्रोल किया जाता है और ऐसे यहाँ पे ऐसे अनहोनी नहीं होगी। बारिश के नाम पे किसी प्रकार की किसी को भी दिक्कत नहीं होने वाली है हरिद्वार में, ऋषिकेश में, क्योंकि वहाँ पे जल को आगे से रोक देते हैं ताकि यहाँ पे जो रेसिडेंशियल इलाका है वहाँ पे किसी बार को दिक्कत ना हो। हाँ, जो बारिश होती है उससे थोड़ा सा जल भराव हो जाता है और उसके बाद थोड़ी सी देर के बाद वो जो भी जल रुकता नहीं है निकल जाता है। आप देख रहे हैं कितनी बारिश में लोग जा रहे हैं। और ये है सूचना प्रसारण केंद्र। अगर आपके साथी आपसे बिछड़ जाते हैं तो आप यहाँ पे आकर संपर्क करें। और ये है मोती बाजार जाने का मार्ग, ये सबसे फेमस मार्ग ऑफ रोड जाने का मार्ग। अगर अभी आप हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं तो छाता जरूर लेके आएं। अगर नहीं लाते हैं तो यहाँ पे आके जरूर ले लें, अगर आपके हम बच्चे हैं खास तौर पे, तो क्योंकि अगर धूप हो जाता है यहाँ पे, कल जैसे कि था 2 बजे के बाद काफी तेज धूप था, 2 बजे से पहले काफी तेज मूसलाधार बारिश हुई डरा देने वाली। हर की बैठी का ऐसा रूप केवल आपको कुंभ में देखने को मिलता है और सावन के महीने में तेज बारिश के बाद भी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार कितने भोले की संख्या आ रही है। आप देख रहे हैं इधर से भोले जा रहे हैं गंगा लेके। Yeah.
सबसे अच्छा मार्ग है ये धनुष ब्रिज वाला मार्ग है। इधर से आपको सीढ़ी बस से यहाँ से चढ़ना पड़ेगा, बाकी आप कहीं भी सीढ़ी मिले बाकी आराम से आप अपने गंतव्य को जा सकते हैं। पुलिसकर्मी आपको जगह जगह मिलेंगे आपकी सारी मदद के लिए। आप देख रहे हैं एक से बढ़कर एक कावड़ आपको दिखाई देगा यहाँ पे। यहाँ से मनसा देवी के जो टेम्पल है ये बच्चे कांवड़ आप देख रहे हैं। हर हर महादेव पूरे कावड़ इसी मार्ग से आने हैं और कुछ कावड़ उस तरफ से चले जाते हैं क्योंकि जितने भी बड़े कावड़ हैं वो इसी मार्ग से आते हैं क्योंकि उस तरह से तो दिक्कत होती है धनुष ब्रिज से जाने में। अब देख रहे हैं सारे बड़े कावड़ इधर से आएंगे, एक से बढ़कर एक कावड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और एक से बढ़कर एक भोले भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्या आप देख रहे हैं वीडियो आप देख रहे हैं।